हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 टीवीएस जुपिटर 110 एंड एक तरफ जुपिटर 125 खड़ी हुई है। एंड ये भाई अपनी नई आई हुई है, तो कंपेयर करने वाले हैं भाई दोनों में क्या डिफरेंसेस है, प्राइस, फीचर डिफरेंस, वॉक अराउंड, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल, एंड कौन सा ज़्यादा लेना आप लिए बढ़िया रहने का। वीडियो को इंटक बनी रहेगा, वैसे ये न्यू फीचर के साथ आई तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए फिर बिना देरी के डिटेल कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा भाई। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करेंगे तो जुपिटर 110 110,000 कॉस्ट करेगी, यानी 122,000, 12,000 का प्राइस डिफरेंस मिलेगा। दोनों ही टॉप मॉडल आपके सामने खड़ी है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, दोनों में फ्रंट में आप देखेंगे तो अपने को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये था भाई अपना कलर ऑप्शन, टोटल 6 दोनों में देखने को मिलते हैं। फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो LED लाइट का सेटअप पूरा मिल जाता है, लेकिन जुपिटर 110 ऑल LED सेटअप के साथ आती है, ये सेमी LED के साथ आती है। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको हैलोजन में मिलेगी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्न्स में हैलोजन मिल जा रहा है, बाकी लाइट तो अपने को पूरी ही आपको रिफ्लेक्टर भी इस LED सेटअप में हेडलाइट आ जाती है। DRL भी यहाँ पे आपको LED देखने को मिल जा रहा है। एंड यहाँ पे देख रहे हैं तो गाइस, यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल भी इसी में काफ़ी बढ़िया इंटीग्रेटेड मिल जाता है, एंड LED DRLs मिल जा रहे हैं पूरे कनेक्टेड, एंड LED हेडलाइट मिल जा रहा है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ दोनों ही बाइक को। सो गाइस, इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे DRLs कुछ ऐसे ब्लिंक करते हैं, इसको ऑन करने के बाद ये पूरी कनेक्टेड DRL, और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी बढ़िया गाइस ये लगती है, रोड प्रेजेंस भी काफ़ी इनहेंस कर देगी, तो थोड़ा सा नया कुछ फील आता है इस प्रोडक्ट वगैरह आप देखते हैं, बिल्कुल आपको कुछ नया फील आने वाला है भाई। एंड लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, बैटरी फालतू में भाई डिस्चार्ज होगी। एंड ऊपर गाइस अगर आप देख रहे हैं तो ये गाड़ी में क्रोम फिनिशिंग आपको कुछ मिल जाएगा, एंड ये पूरी डीक्रोम आती है, कहीं भी क्रोम का नहीं यूज़ करेगा। लेकिन गाइस, कुछ लोगों को क्रोम से ज़्यादा बढ़िया ये जो पियानो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये लगता है भाई, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया इसका लगा। बाकी गाइस, फ्रंट में अगर आप पार्ट्स की बात करेंगे तो ये एंड ये दोनों फाइबर पार्ट आ जा रहा है। ये गाइस अगर आप देख रहे हैं, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर पार्ट है, TVS के दोनों पे लोगो आ जाएगी, बट यहाँ पे आपको TVS की फॉन्ट मिलेगी, यहाँ पे लोगो मिलेगी, इधर नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप फ्रंट में मिलेगी। एंड यहाँ पर अगर आप टर्न सिग्नल देखें तो हैलोजन मिलेगा, वहाँ पे आपको LED मिलेगा, DRL यहाँ पे LED, यहाँ पे भी LED, बट यहाँ पे आपको कनेक्टेड मिलता है, तो ये ज़्यादा बढ़िया लगता है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर 125। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो अलॉय व्हील मुझे गाइस अपने 125 का ज़्यादा बढ़िया लगा एज़ कम्पेयर टू जुपिटर 110। यहाँ पे गाइस अगर टायर प्रोफाइल को देख रहे हैं तो अपने को मिली जो टायर 90x90 सेक्शन टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक, नॉन फोक्स रिफ्रैक्टर्स मिल जा रहे हैं। एंड यहीं अगर आप आ जा रहे हैं इस पे तो जुपिटर 110 में भी आपको सेम टायर्स मिल जा रहे हैं, लेकिन अलॉय व्हील थोड़ा इसका डिसेंट टाइप का है। बाकी सेम टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, सस्पेंशन नॉन फोक अपने मिल जा रहा है, नॉन फोक्स रिफ्लेक्टर अपने सस्पेंशन पे, TVS आईगो असिस्ट का यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई फीचर, एंड यहाँ पे भी वही सेम फीचर्स अपने को मिल रहा है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल आप लोगों को कैसा लगा दोनों में से, वो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करके बता सकते हैं। एंड ये है भाई दोनों की लेफ्ट साइड प्रोफाइल, ये पार्ट आप देख रहे हैं तो गाइज आपको मेटालिक मिल रहा है, एंड इसका पार्ट अगर देख रहे हैं ये भी मेटालिक मिल रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। जुपिटर 125 की 3D ब्रांडिंग, यहाँ पे जुपिटर की आपको काफ़ी बढ़िया 3D ब्रांडिंग। गाइज, किक आपको ना 125 में मिलेगा ना 110 में मिलेगा, अगर आप देख रहे हैं तो किक यहाँ पे दोनों में ही अवेलेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंगल गैबले हैंडल, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं गैबले के साथ काफ़ी बढ़िया रियर प्लेयर की आपको रेस्ट मिल जा रहा है, जो कि कम्फर्ट को काफ़ी बढ़िया बना देता है। एंड उसके बाद आप मीटर कॉन्शियस स्विचेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जुपिटर 125 की। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया पियानो ब्लैक इंसर्ट्स, आलर स्टॉप स्टॉप, हैजार्ड का बटन, सेल्फी स्टार्ट, यहाँ पे हाई बीम लो बीम पास का इंटीग्रेटेड स्विच, टर्न सिग्नल, हॉर्न की स्विच मिलेगी, और इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको LCD प्लस TFT डिस्प्ले देखने मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है ये, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एंड बैटरी पावर वगैरह का यहाँ पे आपको इन्फो देखने को मिलेगा, हाई बीम लो बीम इंजन चेकलाइट सभी चीज़ें मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है भाई ये। तो मीटर कंट्रोल देख लिया आप इसका, एंड यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस, एंड इधर अगर आप देख रहे हैं तो टाइप ए पोर्ट मिल जा रहा है, फिजिकल की नोब, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं तो भाई अपने को मिल जा रहा है फ्यूल नोब, एक्सटर्नल फ्यूल नोब आ रहा है, लगेज कैरी करने के लिए होल्डर, एंड अब 110 को देख रहे हैं तो गाइस इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे हम आपको नॉर्मल LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, सिंगल डिस्प्ले है। एंड यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ें भाई, स्पीडोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेजेस, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियल टाइम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी आता है भाई, काफ़ी बढ़िया बात है यहाँ पे। लेकिन आपको एडवांटेज मिल जाता है TFT डिस्प्ले आ रहा है, आयरलेस साइड स्टॉप, सेल्फ स्टार्ट, हाई बीम लो बीम पास का स्विच, यहाँ पे गाइस आपको टर्न सिग्नल में इंटीग्रेटेड हैजार्ड की स्विच मिल जाती है, कुछ ऐसा हॉर्न देखने को मिलेगा। नीचे गाइस अगर आप आ रहे हैं फिजिकल कीनो, यहाँ पे टाइप ए पोर्ट मिल जा रहा है, कुछ स्पेस, यहाँ पे आपको लगेज कैरी करने के लिए होल्डर, यहाँ पे भी आपको मिल जा रहा है एक्सटर्नल फ्यूल इनलेट के लिए, जो कि भाई अप्रॉक्स 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की आ रही है। एंड सेम गाइस दोनों में आप सिलेंडर फ्रंट में नहीं रख पाएंगे। बाकी रियर में दोनों में आपको सिंगल रिम टाइप सस्पेंशन मिलता है, रियर टायर प्रोफाइल भी वही आपको सेम मिलता है, 90x90 सेक्शन टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी गाइस जुपिटर 110 का तो मैंने बता दिया, एक बार आपको 125 का भी मैं कंफर्म करके भाई बता देता हूँ, तो सेम गाइस टायर आपको दोनों मिला है, दोनों में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। अब मेन चीज़ रियर प्रोफाइल की अगर बात कर लेते हैं तो गाइस ये आप देखिए दोनों का रियर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको क्रोम मिल रहा है 125 में, यहाँ पे आपको पूरी डी क्रोम मिलेगी। लेकिन गाइस एक बार ऑन करते हैं फिर आपको बताते हैं,
लुक देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा बढ़िया अपनी जुपिटर 110 लगती है जो पूरी गाइस कनेक्टेड टेल लैम्प दी गई है। टर्न सिग्नल भी एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ ऑन करके, इसमें जो इस हिसाब से ये इसका टर्न सिग्नल जलता है ना भाई, काफ़ी बढ़िया लगता है। इंटीग्रेटेड दिया ब्रेक लाइट में इसका टर्न सिग्नल। बाकी TVS की यहाँ पे आपको 3D ब्रांडिंग मिलेगी, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप वगैरह ठीक है। वहीं अगर आप इसके तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट हैलोजन आता है, बाकी DRL तो डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पे मिल जा रही है, टर्न सिग्नल भी हैलोजन, तो ये सब हैलोजन मिल रहा है। यहाँ पे पूरी LED देखने को मिल जा रही है आपको। एंड इसको ऑफ कर देते हैं भाई, एंड गाइस राइट साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे भी फुटरेस्ट मिल जा रहा है अपने को, इधर भी फुटरेस्ट मिला है। यहाँ पे क्रोम की ट्रीटमेंट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जा रही है। एंड गाइस अब हम लोग अंडर सीट स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो पहले आपको 110 में नहीं मिलता था, अब काफ़ी बढ़िया दोनों में आपको 33 लीटर का सेम अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है। काफ़ी सारे सामान रख सकते हैं, हाफ फेस का आप हेलमेट रख लेंगे दोनों में ही बिल्कुल, एंड अगर मिड साइज़ का एक फुल फेस भी आप यहाँ पे रख लेंगे भाई। बाकी दोनों में आपको सेम अंडर सीट स्टोरेज मिल जा रही है भाई अपने जुपिटर 110 एंड जुपिटर 125 में। अप्रॉक्स 12,000 का प्राइस डिफरेंस है। एंड फीचर्स वाइज अगर आप देखते हैं तो भाई अपनी जो 125 है एंड ये है वैसे इंजन का कंपेयर मैं इसलिए नहीं कर रहा, ये 110 है भाई नॉर्मल वाइज, इसमें पावर एंड टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन भाई जो लाइटिंग वगैरह का सेटअप है, डिज़ाइन है, यूथ को देखते हुए भाई अपनी 110 काफ़ी बढ़िया। बाकी इसमें भी जल्द अपडेट आने वाला है। सो गाइज अभी तक लिए ये था इसका कंपैरिजन। वीडियो अगर अच्छा लगा इसको लाइक करेगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करेगा। ऐसा स्कूटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन शो पाने के लिए मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।